तो बच्चों, ये फ्रिक्शंस का मुझे लगता है कि थर्ड लेक्चर है और हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस किए थे चीजें। लास्ट लेक्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। हाँ, दो ब्लॉक था, दो तीन सबका कॉन्सेप्ट ऐसे ही होगा, अभी डिस्कस करेंगे। बच्चे यहां थोड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं, M1, M2 और म्यू इज इक्वल टू जीरो ले लिया, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लिया, कुछ वैल्यू बाद में दे देंगे। द टू ब्लॉक्स आर टचिंग ईच अदर, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा दिया। सवाल ये था, फाइंड मैक्सिमम एफ सो दैट द टू ब्लॉक, आवाज क्लियरली पहुंच रही है? गुड गुड। टू ब्लॉक मूव टूगेदर, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा था तो मुझे लगा पता नहीं पहुंच रही आवाज की नहीं। ये सवाल था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। So, इसको कैसे स्टार्ट किया था? एफ लिमिट, इसके किस ब्लॉक के एक्सलेशंस पे लिमिटेशन होगा? M2 ब्लॉक पे। M2 ब्लॉक पे, बिकॉज M2 को मूव कराने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पे लिमिटेशन है, एक वैल्यू से ज्यादा नहीं लग सकता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने कहा, इसको पुल किया तो M2 भी आगे जाएगा, सो M2 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा F, और M1 पे पीछे लगेगा। M2 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? न्यू M2G इक्वल्स टू, है ना, तो ये F मैक्सिमम जो लगेगा यहाँ पे डिवाइड बाय M2, F मैक्सिमम कितना होगा? म्यू इनटू एन अपॉन M2। इस केस में एन कितना है? M2G है, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय M2, दैट इज इक्वल टू म्यू जी हो गया। हमने ये देखा मैक्सिमम एक्सलेशन ऑफ M2 विल बी म्यू जी, म्यू जी से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है टू मूव टुगेदर, साथ साथ मूव करना? म्यू जी, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन पर लिमिटेशन नहीं है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। सो सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो बच्चे पिछला क्लास नहीं अटेंड किए होंगे, नहीं ध्यान से पढ़े होंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन M1 + M2 सिस्टम टू move together mu g, एक ही फोर्स एफ लग रहा है, so maximum force to move together is equal to mu g into m1 plus m2, move कर रहा है, total mass into a max, that is equal to okay सर। हाँ, अगर इससे हम ज्यादा फोर्स लगा दे तो M2 पीछे चला जाएगा क्या? मतलब हाँ, M2 पीछे नहीं जाएगा, M1 के रेस्पेक्ट में पीछे जाएगा, M2 भी जाएगा आगे, M1 भी आगे जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा दिए तो M1 का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा और M2 का एक्सेलरेशन कम रहेगा, म्यू जी रहेगा, कितना रहेगा? एंड What will happen? M1 का ज्यादा, इसका कम है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जाएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे ही जाएगा। और इस पे हमने एक स्टेप आगे बढ़ के भी हमने सॉल्व किया कि इसी सवाल में हमने क्या किया
कि एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी लगा दिया, ऐसा सवाल दिया था, लास्ट सवाल यही था, और कहा कि बताओ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, इनिशियली फोर्स जीरो एक्सेलरेशन जीरो, दोनों शुरुआत में साथ साथ मूव करेगा, सो देयर विल बी कॉमन एक्सेलरेशन ए वन, इसका एक्सेलरेशन ले रहा हूं ए टू, इसका ए वन एंड ए टू दोनों है, यही होगा कब तक, जब तक सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू जी हो गया, लेकिन इसके बाद रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट होगा, इसके बाद एम टू ऑफ तो कोर्स नहीं पर है। गया तो अब साथ साथ मूव नहीं करेगा, अब जब साथ साथ मूव नहीं करेगा स्लिपिंग होगा तो एम टू का एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट, एम टू का एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट, यही रह जाएगा, दिस इज ए टू, बट व्हाट विल बी ए वन, क्या ए वन ऐसा होगा सीधे आगे जाएगा, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था शायद कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, मोर स्टीपर होगा सर। हाँ मोर स्टीपर होगा, तो ये ऐसा हुआ था, ये हो गया था ए वन, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसको जरूर समझ लो क्यों ऐसा हुआ था, तो हमने लिखा था एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे जब स्लिपिंग हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना, सो आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, सो ऋषभ ने पूछा सर व्हाई दिस विल बी मोर स्टीपर, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, केस वन व्हेन मूविंग टुगेदर, मतलब स्टार्टिंग वाला सिचुएशन, इससे पहले वाला सिस्टम का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक ऑन टोटल मास, अल्फा बाय एम वन प्लस एम टू स्लोप। तो देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लिए हैं, तो दिस इज स्लोप, ऋषभ क्लियर, यस सर। केस टू व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स, अब इसके बीच का जो फ्रिक्शन है बड़ा आसान है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक न्यूटन लगेगा। का, तो अब सिर्फ एम वन को डिस्कस करते हैं, कंसीडर एम वन, एम वन का एक्सेलरेशन देखते हैं, ए टू तो क्लियर ही है, एम वन पे फोर्स ऋषभ, एफ और कौन सा फोर्स, न्यू एम टू जी वन और एम जी और एन ऊपर लगेगा, उसको नहीं लिखते हैं जरूरत नहीं, अभी हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू है अल्फा टी, इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को ए वन लिख रहा हूं, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ दैट इज इक्वल टू एम एम वन ए वन ए वन, ए वन इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाई एम वन माइनस स्मॉल एफ म्यू एम टू जी डिवाइड बाई एम वन, ए वन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड, नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे कर देता, दिस इंप्लाइज यहाँ पे देखो लिख रहा हूं ए वन अल्फा बाय इक्वल एम टू एफ कितना है अल्फा टी डिवाइडेड बाय एम वन माइनस म्यू एम टू जी अपॉन एम वन, देखो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी ए, मतलब सी निगेटिव है प्लस सी में इंटरसेप्ट निगेटिव, दिस इज द स्लोप, स्लोप इन सेकेंड केस स्लोप इज मोर ग्रेटर वैल्यू, इससे ग्रेटर है स्लोप, ग्रेटर है
मुझे लगता है कि 100% समझ में आ गया होगा जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, 32 बच्चे। yes, देखो फ्रिक्शन में मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग खुला रखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज स्ट्रगल करोगे। अब जैसे ये सवाल दिया और फ्रिक्शन को सॉल्व करने का बहुत तरीके से सोच सकते हैं, सिर्फ हमें देखना है कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए, हम ये इंश्योर कर लें कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, काइनेटिक लगेगा या स्टैटिक लगेगा। अब जैसे ये सवाल दे दिया, यहां पे कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन अभी के लिए मैं दे रहा हूं जीरो, और मैं पूछ दूं कि ये सवाल है, अब बताओ इसमें ब्लॉक्स का एक्सेशन क्या होगा, सर रिलेटिव स्लीपिंग वाला केस है। हाँ तो अभी मान लो किसी को अभी नहीं चमका कि रिलेटिव स्लीपिंग वाला है या नहीं है, है ना, मुझे सपोज अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिलेटिव स्लिपिंग है या नहीं है, तो हमें डिसाइड तो यही करना है। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, देखो बेस्ट वे में बता रहा हूं, ऐसे सोचना है, हालांकि इसके अलावा भी तरीका है, तो मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा जाता हूं, एक वे ले रहा हूं, पहले ये समझ जाओ दूसरे तरीके से फिर तुम और सोच सकते हो। तो ऐसे सवाल में जब तुम्हें नहीं पता है कि रिलेटिव स्लिपिंग है या नहीं, तो मान लो एज्यूम द टू ब्लॉक, या तीन होता तो तीन भी, टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ये थोड़ा फुल प्रूफ तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका, मान लिया साथ साथ मूव कर रहा है, so what is the common expression, common expression क्या होगा? देखो यहां तो फ्रिक्शन नहीं है, इन दोनों को सिस्टम ले लिया, common expression will be 54/9 6 meter per second by 5 plus 4 9 तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैक्सिमम कितना लग सकता है वो निकाल लेंगे। हाँ तो ये निकाल लिया, अब देखो इसमें देखना है कि इसमें बताओ कि किस ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल एक्सेल कराने के लिए, 4 kg वाले, 4 kg पे लिमिटेशन आ सकता है ना, तो लिखते हैं कंसीडर 4 kg ब्लॉक, उसका 4 meter per second square मैक्सिमम। देखो देखना सुनना, हाँ वैसे भी सोच सकते हैं बट अभी मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से जा रहा हूं, 4 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, अगर मैं कहूं कि 4 kg को मूव कराने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, अगर साथ साथ मूव कर रहा है इतना एक्सेलरेशन है तो हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड, तो सिर्फ एफ लग रहा है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए कॉमन अभी के लिए, m कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है 6, दैट इज कितना हो गया 24 न्यूटन, मतलब अगर इसको साथ साथ मूव करना है तो फ्रिक्शन शुड बी 24 न्यूटन, बट देखते हैं f मैक्सिमम कितना है 16 न्यूटन, म्यू इंटू एन 0.4 इंटू 4g, एन हो गया कितना 4g 16 न्यूटन, मैक्सिमम 16 लगेगा बट साथ साथ मूव करने के लिए 24 लगना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन फोर्स 24 नहीं लगेगा, दैट मींस नाउ वी आर श्योर कि यहां पे रिलेटिव स्लिपिंग होगा, फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट टू प्रिवेंट रिलेटिव स्लिपिंग, है ना। So, क्या कहेंगे, एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम, एफ लिमिटिंग, सो
स्लीपिंग विल बी देयर, दैट मीन्स फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक. फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक. अब जब हम डिसाइड कर लिया फ्रिक्शन काइनेटिक है तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा. 4 kg पे एफ के लगेगा 60 newton. 60 newton लगेगा. इस पे लग रहा है 54. इस पे लगेगा 16. और यहाँ तो म्यू जीरो है. तो मैं कहूंगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक. एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक इज इक्वल टू 54 माइनस 16 38/5 / 5. कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक कितना हो जाएगा 16/4 meter/s². क्या ये पूरा समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. तो इतना लिख लो जल्दी से. फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करो और यहाँ पे म्यू जीरो की जगह पे मैं कुछ ले लेता हूँ. म्यू इज इक्वल टू लेट्स कितना ले लूं 0.2. चलो जो तुमने कहा वही मैंने भी लिख दिया. यही फोर्स लगा दिया F1 = 54 newton. अब मैं बताऊं कि इसमें पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, है ना? क्या यहाँ पे ब्लॉक्स मूव करेगा कि ब्लॉक्स मूव भी नहीं करेगा? ओके तो देखो जैसे ही हमने 5 kg ब्लॉक पे फोर्स लगाया, अब इस 5 kg ब्लॉक को इधर जाने का टेंडेंसी होगा तो यहां पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा. F1 लिख देता हूं. क्या 54 न्यूटन सफिशियंट है कि ये 5 kg ब्लॉक को मूव करा दे? तो हम यहां पे लिखते निकालते F1 मैक्स क्या होगा? काइनेटिक होगा सर फ्रिक्शन. F1 मैक्स निकालते हैं 18 newton म्यू इनटू एन. यहां का एन कितना हो जाएगा? 5G या 4G या 9G? 9G newtons लो. तुम लोग सबने ध्यान से पढ़ा है. 18 newton. ये 18 newton तक ही लगा के रोक के रख सकता है, लेकिन 18 से तो यहाँ ज्यादा लग रहा है. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो ये मूव करेगा. 5 kg ब्लॉक विल मूव, दैट मीन्स ब्लॉक्स एक्सलेट करेंगे. लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? होगा. इसका भी एफ मैक्स देख लेंगे. यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है. समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. तो फिर से हम मान लेते हैं कि लेट्स द टू ब्लॉक मूव टुगेदर. मुझे नहीं पता है रिलेटिव स्लिपिंग है कि नहीं. एक तरीका ले रहा हूं, लेट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर. व्हाट विल बी द कॉमन एक्सेलरेशन? ए कॉमन. तो इसको सिस्टम ले लिया. देखो यहां पे दिमाग खुला रखो. इसको सिस्टम लिया, एक लग रहा 54 का इधर और इधर भी लग रहा है. तो सारे बच्चों को पता चल रहा होगा 54 माइनस 18 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा? ये 4 meter/s². कॉमन एक्सेलरेशन 4 meter/s². अब मैं 4 kg को कंसीडर करूंगा. फिर से वही, हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड?
फॉर 4 केजी ब्लॉक एफ रिक्वायर्ड कितना एम इंटू ए कॉमन है ना, फ्रिक्शन फोर्स से मूव करा एफ इन 4 इंटू 4 कितना 16 न्यूटन, एफ मैक्सिमम कितना है म्यू एन 0.4 इंटू 4g 16 न्यूटन जस्ट इक्वल है, दैट मींस दोनों साथ साथ मूव कर रहा है बट जस्ट अबाउट टू स्लिप है, थोड़ा सा फोर्स बढ़ा देंगे तो स्लिपिंग हो जाएगा, थोड़ा कम करेंगे तो स्लिपिंग नहीं होगा, समझ में आया ये? हाँ सर। यस सर। हितेश ने कहा सर अब क्लियर हो गया, 4 kg पे फ्रिक्शन आगे, 5 kg पे फ्रिक्शन यहां भी पीछे यहां भी पीछे। अब इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और इसमें मास्टर एक दिन में नहीं बन सकते हो, मिस्टेक से ही सीखोगे, गलतियां करके सीखोगे। अब फिर से मैं वही डेटा ले रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा कैलकुलेशन में। इसमें बहुत सारे सवाल, तो मतलब फ्रिक्शन में मुझे अगर टेस्ट पेपर बनाना है तो मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे सवाल बन जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको टाइम लगता है सॉल्व करने में। अब जैसे ये सवाल दे दिया और देखते हैं तुम लोग सही में रियली फिजिक्स पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा तो ये बस क्लास मस्ती के लिए। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया 5 केजी पे, 4 केजी है, 0.3 है यहाँ पे 0.4 है, और तुमने इसको पुल करना शुरू किया, यहाँ के फ्रिक्शंस को ग्राउंड एंड 5 केजी के फ्रिक्शंस को F1 लिखता हूं और 5 केजी 4 केजी के फ्रिक्शंस को F2 लिख रहा हूं, है ना। पहला सवाल, वेदर द ब्लॉक विल एक्सेलरेट और नॉट, whether the blocks will accelerate or not, क्या फ्रिक्शन इसको रोक के रख पाएगा या हाथ खड़ा कर देगा, नहीं भाई तुम जा, रोक के रखेगा सर, रोक रखेगा। क्या दोनों ब्लॉक रुक के रहेगा कि एक ब्लॉक मूव करेगा एक रेस्ट में रहेगा, ये भी बताना है। दूसरा, what is F1, what is F2, है ना। देखो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है बच्चों, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि व्हाट इज F1 मैक्स, 27 समझो इसको, F1 मैक्स क्या है, 27 आ रहा है, देख लो म्यू एन। कुछ बच्चे गलती से 5 kg लिखते हैं तो म्यूज एन के जगह पे 5g लिखते हैं, मतलब उनको डांट पड़ेगी क्योंकि न्यूटन लॉ मैंने बहुत पढ़ाया है। F1 max 27 है और यहाँ 20 न्यूटन है, ये तो फ्रिक्शन फोर्स हंस देगा, कहां से तू मूव करा पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 27 या 20? 20 20 लगेगा, बिकॉज 20 की ही जरूरत है, जितना जरूरत उतना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट 20 न्यूटन, तो क्या जाएगा F1 का आंसर 20 न्यूटन, ब्लॉक्स मूव करेगा नहीं, और जब 5 केजी नहीं मूव करेगा तो 4 केजी कहां से मूव करेगा। अब जो सवाल आता है जहां बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि 5 kg 4 kg के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सर लगेगा भी कि नहीं लगेगा, लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा,
लगेगा ही नहीं ना सर, लगेगा। तो जब भी फ्रिक्शन फोर्स की डाउट हो कि फ्रिक्शन लगेगा कि किस डायरेक्शन में लगेगा, तो देखो एक मंत्र याद रखो, उस सरफेस को मान लो फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन नहीं है, और उसके बाद देखो कि मोशन कैसा हो रहा है। सुनना, जिस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो कि क्या होगा, तो सबसे पहले क्या मान लो कि उस सरफेस को फ्रिक्शन लेस मान लो, उसके बाद उसके मोशंस को स्टडी करो। ये फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं, म्यूजिकल टू जीरो कर दिया। अब बताओ ये फायर बेली तो मूव ही नहीं कर रहा, तो ऐसे ही नहीं मूव कर रहा, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगा ही नहीं, टेंडेंसी नहीं है। तो कॉप्शन ऑफ फ्रिक्शन हो या ना हो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझा क्या? हाँ सर। यस। लेकिन अगर मान लो ये हो जाता 30 न्यूटन, सपोज यहाँ पे लग रहा है 27, तो ये एक्सलेट करता, ये फ्रिक्शन लेस होता अगर, तो ये रेस्ट में रहता, ये आगे जाता, फ्रिक्शन लेस होता तो 30 लगता तब, तो ये आगे जाता, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका कहता आगे मत जाओ, तो इस पे 5 kg में पीछे लगता, और ये 5 kg इसको साथ यार तू भी साथ साथ मूव करो तो आगे लगता। फ्रिक्शन तो ऐसा लगेगा कि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने देना चाहता, फ्रिक्शन ट्राइज टू सीज द रिलेटिव स्लिपिंग, फ्रिक्शन ऐसा लगेगा कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। फिर से बच्चों यहां पे थोड़ा सा एक और सवाल, बस तुम सोचना शुरू कर दो, म्यूज कल टू फिर से वही डेटा 0.3, एफ यहां पे कितना दिया था 20, और यहां पे देता हूं मान लो कि एफ टू, कैपिटल एफ टू यहां भी लग रहा है 5 न्यूटन का, अब मैं पूछूं दिस इज ए ब्लॉक दिस इज बी ब्लॉक, क्या ब्लॉक्स मूव कर पाएगा? सर ए बी के बीच का क्या है फ्रिक्शन को? जैसे भी सोच सकते हो, समृद्धि अच्छा कर रही है क्लास, समृद्धि बताना क्या ब्लॉक्स अभी मूव कर पाएगा, क्या कोई चांस है मूव करने का? यहाँ के फ्रिक्शंस को F1 बोलेंगे, यहाँ के फ्रिक्शंस को F2 बोलेंगे, ये डायरेक्शन है राइट, और ये डायरेक्शंस को बोलेंगे जी वाला रेस्ट में रहेगा सर। सर ए वाला रेस्ट में, बी वाला मूव करेगा? नहीं सर, बी वाला भी रेस्ट में रहेगा, दोनों रेस्ट में रहेंगे सर। एकदम सोच के बताना, एकदम सही जा रहे हो, ऐसे ही गलती करके फिर बाद में सीखते हैं। सर बी वाला रेस्ट में रहेगा, बी वाला रेस्ट में रहेगा, ए वाला वो भी रेस्ट में रहेगा, ए वाला भी रेस्ट में रहेगा, बहुत बढ़िया मूव करेगा सर। सर रेस्ट में रहेंगे सर दोनों, दोनों रेस्ट में रहेंगे, बहुत बढ़िया, और ये अच्छा सा सवाल है। इनफैक्ट ऐसे सोचो कि आईआईटी एडवांस में भी पूछ सकता है, बहुत सारे बच्चे गलती करके आ जाएंगे, तुम्हारे टेस्ट में पूछूंगा, किसी भी टेस्ट में पूछूंगा, आधे से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे। चलो दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में रहेगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लग सकता है F1 max, that is 27 न्यूटन, और इस पे देखो तो 25 ही आगे है एक्सटर्नल फोर्स, 27 को ओवरकम नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स ये फ्रिक्शन नहीं आगे जाने देगा, 5 kg तो नहीं मूव कर पाएगा। अब मैं बात करता हूं कि 5 kg पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, F1 फ्रिक्शन फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक F1 मतलब यहां पे दोनों फ्रिक्शन मिला के 20, इज इट 20 न्यूटन F1 ऑन 5 kg ब्लॉक, 20 या 25 लेफ्ट या राइट?
सो योर आंसर विल बी लेफ्ट में 20 कंफर्म करो शायद इसमें अभी डाउट होगा तो मैं पहले एफ टू पे आता हूँ देखना एफ टू ऑन 4 kg ब्लॉक 4 kg पर 5 newton होगा 4 kg ब्लॉक पे देखो इससे 5 इधर लग रहा है और मैं अगर पूछूं कि डायरेक्शन से मुझे नहीं पता कि इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे कि आगे तो मैंने क्या कहा मान लो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो जब ये फ्रिक्शनलेस है तो ये आगे तो जाएगा नहीं ये तो रेस्ट में रहेगा और ये 5 newton लगा तो ये एक्सेलरेट करना चाहेगा जब ये एक्सेलरेट करना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहेगा नहीं यार मत जाओ तो इधर लगेगा एफ टू F2 कितना लगेगा 5 न्यूटन का किधर लगेगा लेफ्ट में लेफ्ट अब बताओ कि A पे भी तो F2 लगेगा 5 भी लगेगा राइट में कितना लगेगा 5 न्यूटन का राइट 5 न्यूटन इन राइट ये समझना था थर्ड लॉ 5 न्यूटन का राइट में लगेगा यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं इस पे 20 आगे 5 आगे तो ये फ्रिक्शन कितना लगेगा 25 न्यूटन क्या ये समझ में आया पूरा 10-20 हाँ सर 100% सर क्या बात है शमिक चार 200% बच्चों रियल फिजिक्स ये है मतलब तुम डेप्थ में जाओ देखो कि हाँ ऐसा हो रहा है ये चेंजेस है तो क्या होगा ऐसा होगा तो क्या है बच्चों अभी हमने आइडिया दिया कि कैसे सोचना है क्या करना है कैसे सवाल ट्विस्ट होते हैं बहुत सारे हम बहुत कितने एग्जांपल्स लेंगे एग्जांपल्स भरे पड़े होंगे मैंने हिंट दे दिया है अब हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं ऐसे सवाल बुकलेट्स में होंगे टेस्ट में दूंगा असाइनमेंट में दूंगा वो करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सर्टेनली तुम एक दिन में इसके कॉन्सेप्ट पूरा एकदम कि हाँ फ्रिक्शन का कोई भी सवाल दे दो कर लूंगा ऐसा नहीं होगा ट्वेल्थ में भी जाकर के जब बच्चे होंगे उनको भी मैं दूंगा फ्रिक्शन के सवाल तो वो स्ट्रगल करते हैं तो हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं अब थोड़ा बेसिक पे आ जाते हैं कुछ थोड़ा थ्योरी क्योंकि बहुत दिमाग लगा लिया तुम लोगों ने इसका एबिटी ड्रॉ करता हूं मैं एक ब्लॉक है mg ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है n ऊपर लग रहा है और इस पे कोई सपोज एक्सटर्नल फोर्स है कैपिटल f को एक्सटर्नल फोर्स है जो भी उसके कारण एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स सुनना नॉर्मल एज वेल एज फ्रिक्शन दोनों क्यों लग रहे हैं बिकॉज ये सरफेस कॉन्टैक्ट में है F एंड N बोथ एक्ट बिकॉज इनको रिजल्टेंट आएगा दे आर इन कॉन्टैक्ट अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होता है तो ना तो नॉर्मल लगता ना फ्रिक्शन फोर्स लगता इसलिए इन दोनों के रिजल्टेंट को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड एन इज कॉल्ड क्लियर एफ और एन के रिजल्टेंट बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स तो F और N कितने एंगल पे है बच्चों 90 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा इसको अलग कलर से दिखाता हूं ये है ये अलग से नहीं दिखा रहा हूं या तो ये और ये दिखाओ
या ये दिखाओ, दोनों में से एक। इसको एफ से लिखता हूं, कॉन्टैक्ट फोर्स वेक्टर अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा एन वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, बट एफ सी का मैग्नीट्यूड अगर पूछूंगा करना गलत है क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करेक्ट। समझा क्या? तो मैंने ये लिख भी दिया है, कहाँ ऐसे टीचर मिलेंगे यार, गलत जो कर सकते हो वो भी लिख देता हूँ। मतलब कांटेक्ट फोर्स भी एक एंगल पे है, कांटेक्ट फोर्स एक एंगल पे होगा, तो या तो सिर्फ ये वेक्टर लिखो या ये दोनों लिखो। तो हम नॉर्मल को बोलेंगे कि एग्जैक्टली कांटेक्ट फोर्स ये है, सिर्फ ये लिख सकते हो। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है, उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल देते हैं ना, जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन को ब्लॉक रखा हुआ। तो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल किसका? सरफेस का टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। अगर सपोज फ्रिक्शन नहीं है, मतलब इसको मूव करने का टेंडेंसी नहीं है, स्लिपिंग भी नहीं हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ नॉर्मल है ना। ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है इसको लिख लेते हैं लैम्डा। कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, तो उस लैम्डा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर लैम्डा जीरो है, इसका मतलब फ्रिक्शन जीरो। लैम्डा जितना ज्यादा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा, बिकॉज जितना ये एफ बड़ा होगा, ये लैम्डा बड़ा होते जाएगा, इधर आएगा, इधर शिफ्ट करेगा। Now, अगर मैं यहां पे पूछूं बताओ tan lambda क्या होगा? F by n। F by n। मैं पूछूं tan lambda max कितना होगा? New। लैम्डा मैक्स तब होगा जब एफ मैक्स होगा, और एफ मैक्स कितना होता है? म्यू इनटू एन। इनटू एन मतलब अगर म्यू एस और म्यू के अलग दिया हुआ है, तो अगर सेम है तो वो दैट इज इक्वल टू म्यू एस। तो लैम्डा मैक्स मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी टैन इनवर्स म्यू एस। अब एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा मिनिमम होगा वो एन, और मैक्सिमम कितना होगा? तो जिस केस में एफ मैक्सिमम है, एफ मैक्सिमम कितना होता है? म्यू एन। एन
म्यू एस लिख देता हूं, अगर म्यू एस म्यू के सेम है तो म्यू डाल दोगे, म्यू एन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर होगा, मिनिमम एन मैक्सिमम, जब एफ मैक्सिमम है उस केस में एफ सी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फिर से एक बढ़िया सा सवाल आ रहा है, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। जो एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ब्लॉक और ये इंक्लाइन प्लेन है, अभी हॉरिजॉन्टल है, इसको बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, देखो एक पॉइंट पे स्लिपिंग हो गया। ये ब्लॉक का मास m और अभी फोर्सेज कौन कौन सा है, तो mg वर्टिकल, n नॉर्मल टू द इंक्लाइन, mg का दो कंपोनेंट, इधर mg cos theta और इधर और ये mg sin theta, इसको स्लाइड करना चाहेगा, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप द इंक्लाइन लगेगा कि नहीं, अप द इंक्लाइन लगेगा सर, लगेगा यस सर। अब सुनना, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये रखा हुआ है, थोड़ा सा भी चढ़ा, थोड़ा सा इसको स्लाइड किया, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे, क्या ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, नहीं, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक, स्टैटिक, अभी जीरो हॉरिजॉन्टल में जीरो, अभी स्टैटिक, लेकिन अभी जितना लग रहा है उससे ज्यादा अभी लग रहा है, और ज्यादा, देखो उसके बाद स्लाइड करेगा, देखो स्लाइड कर गया है ना, जब स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक, अभी मान लो मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक्स आर नॉट, ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, सो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, मैंने ये दे दिया स्टेटमेंट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, mg sin theta होगा या mg cos theta into mu होगा, बताओ कौन सा स्टेटमेंट होगा सर, mg cos theta into mu, अगर जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो सेकंड ऑप्शन, और अगर ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, ब्लॉक इज एट रेस्ट सर, mg cos theta फाइनल सर, mg sin theta फाइनल, फर्स्ट आंसर करें, फर्स्ट रहेगा सर, फर्स्ट फर्स्ट, और अगर मैक्सिमम रहेगा तो सेकंड रहेगा, जब हमने दे दिया ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, तो ब्लॉक रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, mg sin theta, और स्टैटिक में फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, जितना जरूरत होगा उतना ही लगेगा, और सारे बच्चों ने लगभग सवाल का सही जवाब दिया है कि ये सही आंसर होगा, तो अभी थीटा कम है तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, mg sin थीटा बढ़ रहा बढ़ रहा, और एक पॉइंट पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, u mg cos थीटा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा, u into n लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, क्योंकि स्लाइड नहीं करा तो mg sin थीटा भी लगेगा,
तो सुनना, फाइन थीटा एट विच टेनिनस म्यू ब्लॉक विल बी जस्ट अबाउट टू स्लाइड टेन इनवर्स म्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो है ना, तो हमने कहा कि फाइंड द थीटा फॉर व्हेन ब्लॉक इज एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये एमजी साइन थीटा नीचे स्लाइड करना चाह रहा है, उसको फ्रिक्शन फोर्स ऊपर रोक के रखा है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम हो जाएगा म्यू एन है ना, तो यहां से आ जाता है टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, मतलब इस थीटा को बच्चों बोलते हैं थीटा को एंगल ऑफ रिपोज, थीटा आर इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू, सिंपली टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा को बढ़ा रहे जिस समय टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू है उस समय जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, लेकिन जब थीटा टैन थीटा आर से मतलब थीटा आर से कम है तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, अगर इंक्लिनेशन थीटा आर से ज्यादा है तो ब्लॉक स्लाइड करेगा और फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। तो मैं लिख देता हूं थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू जीरो, सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, कब? व्हेन थीटा इज लेस देन theta r, that is tan inverse mu, देखो इस स्टेटमेंट को पूरा लिखो, f is equal to mg sin theta, कब? जब theta जो है theta r से that means angle of repose से कम है, that is equal to mu n, mu mg cos theta, कब? जब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है इक्वल टू टैन इनवर्स एंगल ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू, क्लियर? यस सर। सर अगर म्यूएस म्यू के दिया रहेगा तो तुम कह सकते हो कि एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा व्हेन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू टैन इनवर्स म्यूएस और दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर व्हेन थीटा इज टैन इनवर्स म्यूएस सर, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू के। हाँ बोलो सर, वो tan theta is equals to mu के नीचे क्या लिखा है, एंगल एट क्या लिखा है वो? रिपोज। tan theta is equals to, this is called angle of repose, फिर से लिख देता हूँ, इसलिए थीटा को मैंने थीटा आर लिख दिया, अब एक सवाल देते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, फिर से वही लिखा है, एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, म्यू दे दिया, म्यू एस और म्यू के इक्वल दे दिया मैंने,
और कहा थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू, थीटा बढ़ा रहे बढ़ा रहे। मुझे बताना है कि अलग अलग थीटा पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एफ वर्सेस थीटा। थीटा छोटा है, एफ कितना है, थीटा ऐसे कैसा ग्राफ होगा। दो मिनट का टाइम है, खुद से पहले ड्रॉ करो। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने लिखा था फ्रिक्शन फोर्स विल बी एम जी साइन थीटा, कब तक, जब थीटा इज लेस देन थीटा आर टैन इनवर्स म्यू, म्यू इज म्यू के सेम ले लेता हूं। एफ वर्सेस थीटा का ग्राफ है ये, साइन थीटा का ग्राफ लेंगे। साइन थीटा का कैसा ग्राफ होता है ऐसा, लेकिन ये पूरे के लिए नहीं है, कब तक के लिए वैलिड है, थीटा आर तक के लिए, मैक्स नहीं होने तक। ये ग्राफ ये एम जी तक जाता है, ये पॉइंट होता है एम जी, है ना। है ना, मैक्सिमम साइन थीटा का वैल्यू वन होता, बट ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद अलग हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, तो कॉस थीटा का ग्राफ मैं दूसरे व्हाइट कलर से ले रहा हूं, कॉस थीटा का ऐसा होगा, इस टाइप का ये कर्वेचर होगा। इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे म्यू एम जी आएगा, क्योंकि वन थीटा जीरो पे ये होगा। तो इधर डॉटेड लाइन दिया हो, देखना है यहाँ पे इस तरफ डॉटेड लाइन, थीटा से ग्रेटर के लिए है, तो जीरो से थीटा आर के लिए ये रेड कलर का, ये वाला फंक्शन से थीटा आर से पाई बाय टू तक के लिए ये वाला फंक्शन cos थीटा वाला, तो ये वाला सॉलिड लाइन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सर। हाँ, एंगल ऑफ रिपोर्ट से वो मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन एंगल। नहीं, कांस्टेंट कैसे होगा, थीटा चेंज कर रहे हैं ना। फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू एन हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, एन चेंज हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एन। हाँ सर, समझ, इसलिए वो थीटा अलग अलग है, तो अलग अलग थीटा के लिए अलग। क्लियर?